ड्रीम गर्ल की आपने बात की, उसमें वन में तो आवाज का ही खेल था सारा, आप आरजे भी रहे हैं उस वक्त, प्रैंक कॉल्स वगैरह आपके स्टेशन पे भी होते थे? देखिए, ड्रीम गर्ल की ट्रेनिंग मुझे मेरी टीन इयर्स में मिल गई थी। अच्छा, कैसे? मतलब जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी तो उनके जब पापा फोन उठाते तो मैं लड़की की आवाज में बात करता था, तो वो फोन तो ये मुझे नहीं पता था कि वो जो ट्रेनिंग जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड के पापा से बात करने की थी वो मुझे फिल्म में काम आएगी। तो आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आप बड़े पर्दे पर उतारते हैं। अच्छा, कुछ याद है आपको वो बात? हम सुनना चाहेंगे, आप कैसे किसी के पापा से लड़की बन के बात कर रहे थे? मैं तो बस वो ड्रीम गर्ल की आवाज़ निकाल सकता हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अंकल पूजा करते हैं तो मतलब उनसे, अंकल से बात करके बाद में। तो वो गर्लफ्रेंड्स, मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड जिससे आप, जिसके पापा से आप लड़की बन के बात करते थे, वो मैं तो 15 साल का था। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद कॉलेज में मुझे ताहिरा मिल गई थी तो मेरी उन्हीं से शादी हो गई। तो वो वाला ब्रेकअप कैसे हुआ? हुआ ही नहीं, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। आई थिंक वो चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली आ गई थी, तो मैं, इट्स जस्ट लिटिल डिफिकल्ट। फोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? तो फोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस कभी लास्ट नहीं करता मेरे हिसाब से, मुश्किल है थोड़ा। आपके आरजे स्टेशन में प्रैंक कॉल्स होते थे, आपने कभी किए प्रैंक कॉल्स? प्रैंक कॉल्स आरजे टाइम पे किए हैं, बिल्कुल किए हैं। लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। हाँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्फ लव को एक अलग लेवल पर मैं लेके गया हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार हो गया जब खुद को मैंने मॉनिटर पर देखा अपने आप को। मैंने कहा इतना खूबसूरत तो मैं शायद कभी लगा ही नहीं जिंदगी में। तो मुझे लगा अगर मैं अपनी वाइफ को कभी चीट करना चाहूंगा तो इसके साथ करना चाहूंगा, और अलाउ भी कर देंगे क्योंकि मैं खुद ही हूँ। सो आई थिंक ये ड्रीम गर्ल 2 की खासियत थी। बट या प्रैंक कॉल्स तो ऑफकोर्स आरजे रेडियो की जिंदगी का हिस्सा रही हैं। But I'm glad वो जो experiences radio के हैं या फिर असल ज़िंदगी के हैं वो Dream Girl 2 में काम है। Talent hunts में आप गए, आपने host भी किया और आप गए भी talent hunt में, अलग-अलग talent shows में, वो उसमें कभी rejections हुई? मैं तो I think rejection से ही बना हूँ जो भी बना हूँ। और rejections ही आपको बनाती हैं। मैं हमेशा से ये बोला है कि जितने आपके failures हैं, rejections हैं, वही आपको success की तरफ लेके जाती हैं। अगर आपको सक्सेस की आदत पड़ जाती है तो फिर आप एक सर्टेन एज के बाद आप फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो आई थिंक अगर बचपन से आपने फेलियर देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई थिंक इट यू मेक अ बेटर पर्सन। ये बताइए, दुनिया भर में अब आपके फैंस हैं। ये दुनिया भर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया के कई देशों में हमने देखा है आयुष्मान खुराना का नाम लोग लेते हैं। आप जब जाते हैं बाहर वो वाली फीलिंग आती है आपको? अब ये अंधाधुन से हुआ था मुझे लगता है, क्योंकि अंधाधुन एक ऐसी फिल्म है जो एक छोटी फिल्म होते हुए भी इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा कर गई थी। कई फिल्में होती हैं जो विच इज़ बियॉन्ड, जो कल्चर और लैंग्वेज के बियॉन्ड होती हैं, और अंधाधुन एक ऐसी फिल्म थी। चाइना में बहुत अच्छा बिजनेस किया था उसमें। तो अगर वो आप म्यूट पे भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फिल्म की बीट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। सो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक मोर देन एन एक्टर इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर जो आप स्क्रिप्ट चूज करते हैं, कहानियाँ चूज करते हैं, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। और मुझे आई थिंक मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स ने बनाया।